थप्पड़ मारोगे बुत्ते थे। मैं पूछा कैसा हुआ आपका पेपर? हमारा रिटर्न हुआ, लिखित हुआ, लिखित। थप्पड़ मारोगे बुत्ते थे, अच्छा होया या बुरा होया? तो ये देखिए, ये अभी उठ के आए हैं सो के। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राम राम जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राम राम जी। राम राम जी। और ये जा रहे हैं अभी दही लेने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ ना। तैयारी होगी, बस बनाना है मुझे। और मम्मी को मैंने धड़न के निकालते टाइम मिलवाया था, मिलवाया ही नहीं, धड़न नहीं निकाला था। तो मम्मी के धड़न निकालते थे, मैंने मिलवाना भूल गई थी। हाँ जी मम्मा, राम राम जी। राम राम जी। राम आ गया, बहुत राम मिले मैनु, बहुत आया ना। मेरी धड़न निकल गई ना, मैनू राम आंदा है। लत्ता भी दर्द हो रही थी, लत्ता बहुत ज़्यादा दर्द होंदियां थी, हुण ठीक है मैं। तो मम्मी भी आई थी कल और डैडी भी आए थे। हम लोग कहीं गए थे ना, तो मैं मम्मी और डैडी के साथ में ही यहाँ पे घर आ गई थी। तो ये बैठे डैडी। हाँ जी डैडी जी, गुड मॉर्निंग राम। गुड मॉर्निंग। अब मैं बस बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद मन्नू पापा दही लेने के लिए गए हुए हैं। लवन्ने को मैंने खिला दिया था एक बार, और अब दोबारा खिला दूँगी। तो ये परांठा बन के हो गया है तैयार। तो पहले मैं डैडी जी को दे देती हूँ, फिर मम्मी को देती हूँ। मम्मी लो, मम्मी तुम टीवी जी बड़े हो, फोन लो, रोटी। ब्रेकफास्ट हम सबका हो गया था। लवन्या बच्चू सो गया, मम्मी डैडी भी रेस्ट कर रहे हैं। बाकी सब घर का काम खत्म हो गया, किचन का काम हो गया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मन में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि आज उसको जल्दी आना था ना, पेपर देने गया था। तो आज से उसके पेपर स्टार्ट हुए हैं, तो पता नहीं कब तक आएगा, देखती हूँ कब तक आता है। तब तक मैं उसके आने से पहले नहा लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ। थोड़े से कपड़े धोने वाले हैं, और एक दो बिछोनी थी वो मनु पापा ने धो दिया। अब जो थोड़े से कपड़े रह गए वो मैं धो लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह धो दिए, मैं नहा लूँ क्योंकि तैयार। तो ये देखिए मनु बच्चा आ चुका है पेपर दे के। हाँ जी बेटा, कैसा हुआ आपका पेपर? रिटर्न। रिटर्न मतलब अच्छा हुआ? लिखित। थप्पड़ मारोगे बुत्ते थे। मैं पूछा कैसा हुआ आपका पेपर? हमारा रिटर्न हुआ, लिखित हुआ, लिखित। थप्पड़ मारोगे बुत्ते थे, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये बिट्टी रानी उठ गई, आई 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 आई, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। फिर ये क्या कहते, रात को अगर सो जाए तो बहुत अच्छी बात। तो मम्मी डैडी के लिए रखी हुई मैंने चाय, और चाय बन रही है। और फिर बस इसके बाद थोड़ी देर में बनाती हूँ मैं लंच। आज मनु जल्दी आ गया, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, है ना बेटा? हाँ जी, छुट्टी 11 बजे होती है, लेकिन पहुँचा मैं 12:30। वही तो, मम्मा मिले मेरे से अभी। मैं टेडी खड़ी थी बेटा। अच्छा, तेरे जिड्डी हुआ है। तो अभी लंच टाइम हो रखा है, तो अब मैंने बना रही हूँ रोटी। तो मनु भी खा रहा है, वहाँ पर मम्मी रोटी खा रहे हैं, डैडी ने उधर खा लिया, बस लवन्या और मैं। और मनु का पापा बिगड़े हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो जब वो आ जाएंगे तब उनके लिए बना दूंगी, बाकी हम लोग खा लेंगे। तो ये देखिए मन्नो लंच करने के बाद यहाँ पे सो गया, अभी इसको उठाऊंगी जब ट्यूशन का टाइम होगा इसका। और ये लवन्या सोते सोते हंस रही है। और ये देखिए अभी 4 बज गए हैं, और ये अब आए हैं, और अब आके ये लंच कर रहे हैं। 4 बजे का लंच, क्या जब टाइम मिलेगा तभी खाएंगे। ज़्यादा बिजी है ना, बहुत काम करते हैं, भर भर के बंडल लाते हैं नोटों का, भर भर के, ये ख़त्म ही नहीं होते। ये देखिए 2 पैकेट पेपर के लाए। तो चाय बन के हो गई है तैयार। तो चाय के साथ मैं थोड़े से पापड़ फ्राई करने लगी हूँ, थोड़े से पापड़ तल लेती हूँ। तो आज हमने डिनर में बनाया था दाल चावल और सूजी का हलवा। तो दाल चावल सबने खा लिया, बस मैं और लवन्या खाने लगे हैं, और ये मम्मी डैडी को देने लगे सूजी का हलवा, बाकी सब ने खा लिया। जब भी तुसी कहते ना दाल चावल, मेरे मुंह से हमेशा निकलवाना होता है आलू का चोखा। आलू चोखा नहीं बनाया बेटा मैं, दाल चावल। लवन्या ने चक्का के लिया दे बेटा। डिनर वगैरह सबका हो गया, लवन्या अभी यहाँ पे लेटी हुई है, इधर मन्नू बच्चू लेट गया है, और अब दूसरे में बिस्तर बिछाती हूँ, फिर हम उसी रूम में सो जाएंगे दूसरे में। और मम्मी डैडी यहाँ सुन रहे हैं सत्संग, तो वो दोनों सत्संग सुन रहे हैं। मन्नू का पकड़ने लगे ब्लॉग की एडिटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पेंड करते हैं, अभी रात के 11 बजे हुए हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।